पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले शहर के सारनाथ थाना क्षेत्र में व्यापारी धर्मेंद्र गुप्ता की हत्या और लूट में पुलिस मुख्य अभियुक्त को पकड़ भी नहीं पाई है कि एक और सनसनीखेज तरीके से साड़ी व्यापारी से मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि व्यापारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौट रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया और चैन छीनकर फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आसिफ, क्या हुआ है? अभी कौन लोग थे जो आप पे हमला किए हैं? कहां से आ रहे थे और क्या नुकसान किया सर? एक पार्टी में हम लोग गए थे, पार्टी से निकले वहां से, तो वहां पार्टी में कुछ मतलब एक तूतू मैमे हुई, हाथापाई हुई उनसे, तो वो अपने आप को कुछ बदमाश और गुंडा नेता बता रहा था अपने आप को। तो फिर हम लोग वहाँ से उनके जो गार्ड वार्ड थे निकाल के फिर वहाँ से निकले हम लोग। क्या नाम था? उसका नाम था विशाल सिंह। और थाने पे आए, कंप्रोमाइज़ जो भी उनका गार्ड वार्ड था उससे कंप्रोमाइज़ हुआ, फिर लोग वहाँ से निकल गए। और जैसे निकले अपने मेरी जहाँ हम एक्टिवा से बाइक से आए थे और हमारी कार, हम यहाँ पे कार से आए थे पार्टी में, और कार से अपनी बाइक के पास हम पहुँचे, और जैसे ही बाइक के पास पहुँचे वैसे ही कुछ लोग आके हमको दाएं दाएं एकदम हाथ से मार दिए और फिर वहाँ से वो लोग भाग गए। आपका नुकसान और भी छीने? नुकसान मेरी चेन, सोने की चेन मेरी थी, आपका एक चेन थी हमारी हैवी चेन, वो उन लोगों ने चेन निकाल लिया। और कितने की संख्या में थे हमारे? 8-9 लोग थे वो लोग। इसका कोई सीसीटीवी भी आया है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा आया है, सामने वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, वहाँ से निकल जाएगा। तो आपने पुलिस को शिकायत कर दी? हाँ, शिकायत कर दिया, मैंने केस दर्ज करा दिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो भी हमारे साथ किया ऐसा उसको सजा मिले पूरी। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर हमलावरों के खिलाफ मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।